हरे कृष्णा राधे राधे। आज देखिए अपनी राधा प्यारी के लिए हम इस तरह का हैंडबैग बनाएंगे। ये मोतियों से बना हुआ है, इसमें पूरा रखने का स्पेस है, अंदर वो सामान रख सकती हैं अपना। देखिए दोनों में सिर्फ साइज का फर्क है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें दो स्ट्रिप्स भी हैं, इसमें सिंगल भी है, बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो आज हम ये बनाते हैं। अब ये मैंने सुई ले ली है और इसमें प्लास्टिक थ्रेड डाल लिया है। ठीक है, आप इसको चाहें तो एक सुई से बना सकते हैं या दो सुई से बना सकते हैं। तो आज हम एक सुई से काम कर रहे हैं। थ्रेड डालने के बाद यहाँ स्टार्टिंग में मैं इसके गांठ लगा दूंगी, हल्की सी लगाएंगे बिल्कुल, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग वाला थ्रेड निकल जाता है। ठीक है, अब हम काम शुरू कर रहे हैं। मैं इन्हीं बीड्स की बना रही हूँ। ये देखिए, ये डायमंड शेप कट के बीड्स है। ये डायमंड कट होता है, गोल तो होता है, जो पूरा गोल होता है इसको डायमंड बोलते हैं, क्योंकि ये इस शेप का होता है। देखिए डायमंड की शेप का। तो आज हम इससे बना रहे हैं। आप चाहें तो मोती से बना सकते हैं। ये इस तरह का बीड है, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल था, गोल से ओवल शेप का। ठीक है, तो इस तरह का बना सकते हैं। ये डायमंड शेप का जिसे मैं अभी बना रही हूँ, तो आप किसी से भी बना सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे। चार बीड्स डाले, बिल्कुल लास्ट में ले आएंगे उनको। थ्रेड थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि ये वन शॉट में बन जाए, और यहाँ पे इनकी आप गांठ लगा देंगे चारों की, तरह से पकड़ के कस के। एक बार फिर इसकी गांठ लगा दूंगे ताकि मजबूत हो जाए मेरा, और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कट कर दूंगी। अब सुई के अंदर सीम डालूंगी। जहां से मेरा धागा निकल रहा है, इसमें से धागा निकल रहा है ना बाहर, इसी के अपोजिट साइड में इसे सुई को इस तरह से डालूंगी ताकि ये मेरा लॉक हो जाए। इस तरह से हो गया, इसको टाइट रखेंगे यहाँ पे। अब इसमें से निकाला एक बार, और एक बार ये ऊपर वाले में से निकाला। इसको टाइट रखेंगे, फिर तीन डालेंगे। जहां से थ्रेड मेरा निकला है, अब ये यहां से निकला है ना, इस तरफ से, तो मैं इसके अपोजिट साइड से सुई डाल के वापस इसी तरफ निकालूंगी इसे। ये इस तरह लॉक हो जाता है। इसके ऊपर वाले में से यहां, और ये सबसे ऊपर वाले में से यहां से निकालूंगी। अब बस तीन तीन डालते हुए हमें इसी तरह लॉक करते हुए ये बनाना है। जहां से हमने निकाला था स्टार्टिंग में, उसी पॉइंट पे वापस डालूंगी। अभी मेरी लाइन बनती जाएगी। अब ये मुझे इतना लंबा बनाना है, ये हम इस तरह से यू लंबाई में बनाएंगे। तो जितना लंबा आपको पर्स चाहिए, जैसे इतना है, तो इसका हम डबल ले लेंगे। उतना लंबा हम इसको बना लेंगे। ये देखिए इतना लंबा मैंने बना लिया है। इसके अंदर मैंने 12 लाइंस की हैं। आप जितना चाहे बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी सीधा मेरा लंबा बन गया है। अब मुझे यहाँ पे चौड़ाई इसकी देनी है, तो इसके लिए देखिए मैंने थ्रेड छोड़ा है यहाँ पे। हम पहले वैसे इधर ला के, इधर ऊपर वाले में ला के फिर तीन डालते थे ना, अब हमने साइड में इसको छोड़ा। अब स्टार्टिंग में पहले मैं डालूंगी तीन,
यहाँ पे शुरू मैंने 4 से किया था, फिर 3-3 डाले थे, अब यहाँ पे भी मैं डालूंगी 3। अभी 3 डाल लिए हैं, जिस थ्रेड से स्टार्ट किए हैं उसी में से इसे निकाल लेंगे। इस तरह का लूप बन जाएगा। अब एक एक करके सभी मोतियों में से इसे निकालेंगे। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके अंदर सुई को डालेंगे। अभी देखिए, अभी हमने ये 4-4 के ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक ये और एक ये, दो तो हमारे पास है, दो और हम डालेंगे बीच। दो बीच डाल के अब जो दो मोती है उनके अंदर से निकालेंगे, एक इसमें से और एक इसमें से, ठीक है। और नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए साथ के साथ इसके आगे वाले में से भी, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वन बाय वन करके भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे आ गई, अब इसमें ये दो है मेरे पास, दो और डालूंगी, दो डाल के फिर इसमें से निकालूंगी, इसमें से निकालूंगी और इस वाले पे ले आऊंगी, फिर यहाँ दो डालूंगी। इस तरह करते हुए अब हम पूरी करेंगे, ठीक है। ये एक लाइन मैंने बना ली है, यहाँ खत्म करके मैं यहाँ आऊंगी, फिर यहीं से नेक्स्ट लाइन चालू करूंगी, वो यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ खत्म करके नेक्स्ट लाइन चालू करूंगी। तो जितना चौड़ा मुझे चाहिए उतना चौड़ा मैं इसको बना लूंगी। देखिए इतना कर लिया है, लास्ट में, लास्ट में फिर उसी तरह से दो डालेंगे हम, दो डाले, अब इससे और इससे हमें बाहर निकालना है। अब हम ये ऊपर आ गए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है, तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए इसको हम टर्न करेंगे, ये जो टॉप का है इसमें से निकालेंगे, फिर ये जो साइड वाला है इसमें से निकालेंगे, यहां से निकाल के। अब हम स्टार्टिंग वाली लाइन पे ही आ गए हैं, तो अब सिर्फ शुरू में 3 डालेंगे, फिर दो दो डाल के सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग में 3 डाले, जहां से स्टार्ट किया था वहां लेंगे और उसके नेक्स्ट में लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक और ये दो, दो तो है हमारे पास, दो और डाल के फिर उसी तरह से लाइन हम कंप्लीट करेंगे, तो ये यहां तक आ जाएगा, फिर एक बार और करके यहां तक लाएंगे, ये हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इतना मैंने पूरा कर लिया है। इसकी लंबाई और ये चौड़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप चाहिए तो एक लाइन और बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, तो देखिए बैक के शेप में आएगा ना। फोल्ड करने के बाद ये तो ओपनिंग पार्ट हो गया, अब ये साइड से हमें फिल करना है। सबसे पहले हम ये फ्रंट में डालेंगे जहां हमें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे साइड में हमारे दो दो मोती आएंगे, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट पे एक ऊपर भी हमें देना है, तो एक हम डालेंगे, इस तरह से, और यहां से इसमें से नीचे निकालेंगे। 4 का वो बनाना है ना हमें, फिर एक डालेंगे, और इसी में से वापस ऊपर डालेंगे। ये 4 का एक बन गया ना, फिर इसको बस घुमा देंगे, चार बन गए ना, टाइट रखेंगे इसको। अब इसको नीचे लाएंगे और यहां नीचे से कि नीचे मिल जाएंगे, अब देखिए यहां 3 है, ये ऊपर वाला, दो साइड के। अब यहां बीच में एक डालना है, यहां ऊपर डाला,
जो ऊपर वाला है इसमें से निकालो। फिर इसमें से इसके नीचे वाले से
है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट चार चार का ग्रुप बना के ये सिंपल एक चटाई की तरह बना के उसको ज्वाइन कर देना। सेम तरीके से ये बना हुआ है, इसमें हमने ये तनिया दोनों साइड से ली है और इसमें हमने यहाँ सेंटर से ली है। जब हम यहाँ पे क्लोज करके यहाँ आए उसके बाद हमने ये तनी बनाई यहाँ तक, फिर इसको घुमाया यहाँ तक और फिर ये दूसरी बनाई यहाँ तक। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल प्लेन तरह के हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगेगी और आप इसको अपनी राधा रानी के लिए बहुत जल्दी ट्राई करोगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू, हरे कृष्णा।